जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज, आज का विषय है ये संकेत बताते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा, संकट या प्रेतवाद प्रायः दो प्रकार से आपको अपना शिकार बनाती है। नंबर एक, आपकी गलतियों की वजह से या आपके पूर्वजन्म के कर्मांश के हिसाब से या कोई शत्रु जो आपसे जलता हो, जो आपसे ईर्ष्या करता हो, जलन मानता हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, नजदीकी हो, और प्रायः नजदीकी लोग ही पाए गए हैं, वो किसी तांत्रिक अघोरी को पैसा देके आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति आपका नाश करने के लिए भेज दे। इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा सब भगवान के जितने भी अपने इष्ट देव और भगवान हैं, देव हैं, इनके गण इत्यादि होते हैं, इनकी आशीर्वाद होते हैं। इन सकारात्मक ऊर्जाओं से आपका भला होता है और आपके सारे अच्छे कार्यों को ये संपन्न करते हैं। और ब्रह्मांड में दूसरी शक्ति होती है नकारात्मक शक्ति। कलयुग है, कलयुग में संकटों का युग है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे लोग जो आत्महत्या करके मरते हैं या जिनका एक्सीडेंट होता है, भीषण एक्सीडेंट होता है, उसमें मरते हैं, अकाल मौत होती है, आत्महत्या करते हैं, आग लगा के मरते हैं, या जिनका मर्डर इत्यादि होता है, प्रायः ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में जाके आप लोगों को बहुत सताती है। ऐसे लोग जो प्रेत योनि में जाते हैं, इनको एक प्रेत योनि का सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है और ये उस शरीर के माध्यम से अपनी अतृप्त इच्छाओं को आप लोगों के शरीर में प्रवेश करके पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में बताया है कि ये नकारात्मक शक्तियां आपको या आपके घर में किन गलतियों की वजह से प्रवेश करती हैं। कृपया आप पुरानी वीडियो देखें। जब इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर प्रवेश करती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में प्रवेश करती है, आपके घर में प्रवेश करती है, तो प्रायः देखा गया है ये आप लोगों के स्वास्थ्य की हानि करती है, स्वास्थ्य खराब करती है, गुस्सा अधिक दिलाती है जिससे घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न होता है, धन की हानि कराती है, व्यापार काम धंधा इनका नुकसान कराती है, और प्रायः जितने भी घर में शुभ कार्य हैं इनको संपन्न नहीं होने देती है, उसमें भी बाधाएं उत्पन्न करती है, आपका मन दुखी करती है और आपका जीवन बहुत ही दुष्कर बना देती है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिसकी वजह जिससे कि आप बड़ी आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्ति आपके घर में या आपके शरीर में है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाएं। देखिए, आज हम आपको
कुछ लक्षण ऐसे बताने जा रहे हैं जिससे कि आप बड़ी आसानी से ये बात मालूम कर सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर में नकारात्मक शक्ति मौजूद है। नंबर एक, अगर आप लोगों का मन पूजा में नहीं लगता है या पूजा के समय घर में क्लेश का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, या आप पूजा पे बैठते हैं और जब पूजा का दीपक इत्यादि जलाते हैं तो दीपक भी बार बार भुसता है, बड़ी मुश्किल से जल पाता है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति है। नंबर दो, अगर पूजा के समय आपके मन में गलत या दूषित विचार आए, गंदे विचार आए, अश्लील या कामुक विचार आए, घर के किसी सदस्य के लिए या बाहर के किसी सदस्य के लिए, या कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि गुस्सा या गंदे विचार अपने इष्ट देव के लिए भी आते हैं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि आप नकारात्मक शक्तियों के गिरफ्त में, आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश पा चुकी है। नंबर तीन, अगर आपके घर में गंदी बदबू आती है, मांस की, सड़े हुए मांस की, या नाले की गंदी दुर्गंध आती है, तो ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि आपके घर में किसी ने कोई गंदी तांत्रिक क्रिया करा रखी है जिसकी वजह से आपको इस प्रकार की गंदी बदबू आती है, जबकि उस गंदी बदबू का कोई स्रोत आपके घर में या घर के आसपास नहीं होता है। नंबर चार, आपके मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, क्रोध आता है, आंखें लाल रहती हैं, सिर भारी रहता है, या सपने में उल्टे सीधे सपने आते हैं, मार धाड़ के सपने आते हैं, खून खराबे के सपने आते हैं, या अश्लील या कामुक सपने आते हैं, तो ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश पा गई हैं जिसकी वजह से आपका अहित हो रहा है। नंबर पांच, आपका स्वास्थ्य का खराब होना, शरीर में असहनीय पीड़ा का होना, शरीर सूखना, भूख का कम या ज्यादा होना, काम धंधे का, व्यापार काम धंधे नौकरी में नुकसान होना, ये भी इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि आपके ऊपर इन नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो चुका है। अगर ये सब लक्षण आप महसूस करते हैं तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप किसी योग महाराज से मिलके अपने इन संकटों का निवारण आप अवश्य कराएं। और आज हम एक छोटा सा उपाय भी आपको ये बताने जा रहे हैं जिससे कि आप स्वयं भी इन नकारात्मक शक्तियों से काफी हद तक निजात पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। आपको करना क्या है, प्रायः 11 दिन का प्रयोग है, सुबह उठ के नहा धो के 11 दिन आप लाल आसन पर बैठे, पैर छूके और देसी घी का दीपक जला के, धूप बत्ती इत्यादि जलाकर, कुछ भोग हनुमान जी के आगे रखकर और एक पात्र में जल और गंगा जल डाल के बैठे और आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रक्रिया आपको 11 दिन करनी है और पूजा के उपरांत जो जल आपने रखा था उस जल को थोड़ा सा आपको अपने शरीर के ऊपर छिड़कना है, पूरे घर के ऊपर छिड़कना है और थोड़ा सा जल उसमें से पीना है। ये प्रक्रिया आप 11 दिन करें, निश्चित मानिए आपको इन नकारात्मक शक्तियों से काफी लाभ मिलेगा, काफी छुटकारा मिलेगा।
आशा है आपको आज का वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट अवश्य करें और हमें बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए और अपने इस प्रिय चैनल को आप आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।